उस पक्ष तक मैं यहाँ परिचय दे रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे लगभग 10 वर्ष तक वहाँ पे कोयम्बटूर में रहते हुए कोयम्बटूर टोली के सदस्य सचिव के रूप में और वहाँ पे राजभाषा की गतिविधियों को तेजी प्रदान करने के लिए जो भी मैंने किया फिर उसको याद आ रही है यहाँ पर। तो मैं हिंदी विभाग की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और कर्दम जी के लेखकीय पक्ष पर प्रमोद जी प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जयशंकर बाबू जी। मित्रों, आज हमारे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं, जैसा अब तक आपको ज्ञात हो चुका होगा, जयप्रकाश कर्दम जी समकालीन जो दलित साहित्य है उसके एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में जयप्रकाश कर्दम जी को जाना जाता है। आपका जो उपन्यास है छप्पर उपन्यास, वो हिंदी का पहला दलित चेतना का उपन्यास माना जाता है, लेकिन एक उपन्यासकार के साथ साथ एक संपादक के रूप में भी आपकी वही प्रतिष्ठा है। दलित साहित्य वार्षिकी का निरंतर संपादन आपके करकमलों के द्वारा हो रहा है। समकालीन हिंदी लेखन में दलित साहित्यकार जो जो रचनाएं कर रहे हैं, जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, उनको समग्र रूप से एक मंच प्रदान करने का कार्य दलित वार्षिकी के द्वारा संपन्न किया जाता है। इन दो रूपों के अतिरिक्त आपके दो और रूप हैं। एक रूप आपका है दलित आलोचक के रूप में। मित्रों, समस्या ये है कि साहित्यकार लिख तो रहे हैं, लेकिन कई बार इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है कि उनका लेखन जिस अर्थ में वो व्यक्त करना चाहते हैं उस अर्थ में पाठकों तक नहीं पहुंच पाता या भ्रांति पैदा कर दी जाती है। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि कोई आलोचक भी हो और लेखक के विषयों को, लेखक के मंतव्य को ठीक ढंग से पाठकों को समझा सके। तो वो एक पक्ष आपका रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि सर एक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। आपके दो काव्य संग्रह काफी प्रसिद्ध रहे हैं। पहला काव्य संग्रह था गूंगा नहीं था मैं, तो इसमें एक दलित लेखक अपनी आवाज को पहली बार पाठकों के सामने रख रहा है। वो दलित व्यक्ति जिसे सदियों से बोलने का मौका ही नहीं दिया गया था। एक दूसरा काव्य संग्रह हाल फिलहाल में आया, तिनका तिनका आग। तो तिनका तिनका आग जो आपका नवीनतम काव्य संग्रह है, उस काव्य संग्रह की कुछ पंक्तियाँ जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया, हमारे शोधार्थी जयराम पासवान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के जो लोकतांत्रिक आदर्श हमारे समाज ने स्थापित किए हैं, जिन आदर्शों पर भारतीय शासन व्यवस्था टिकी हुई है, उन आदर्शों की ठीक ठीक ढंग से पालना हमारे समाज में नहीं हो पाती। आज भी दलितों, आदिवासियों को उनका जाया जज नहीं मिल पाया है। दलितों, आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाले दल इस शासन तंत्र के अंतर विरोधों के चक्रव्यूह में फंसकर स्वयं आज दिग्भ्रमित हो रहे हैं। एक भ्रम की सी स्थिति राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में दिखाई देती है। तो इस प्रकार की भ्रम की स्थिति से पाठकों को और सामान्य जनता को एक राह दिखाने का कार्य दलित साहित्य कर रहा है। दलित साहित्य अपने आप में एक विकल्प है। जैसे सर ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अपने संपादकीय में उठाया है, शायद 2006 का संपादकीय है दलित साहित्य वार्षिकी का, उसमें सर ने सवाल उठाया कि क्या दलित साहित्यकार या दलित चिंतक, दलित आलोचक या दलित बुद्धिजीवी उसी बनी बनाई व्यवस्था में अपना स्थान पाने के लिए प्रयास करते रहेंगे जो व्यवस्था विषमतामूलक है, अन्याय पर टिकी हुई है, या वो एक नई व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। तो मेरा मानना यही है कि दलित साहित्य अपने आप में एक नई व्यवस्था की बात करता है। एक विकल्प देने का प्रयास दलित साहित्य के माध्यम से किया जाता है। आपकी आलोचकीय दृष्टि कितनी स्पष्ट है, इसकी पहचान एक और बिंदु से होती है जो मैं सुबह पढ़ रहा था।
तो वहां पर सर ने एक सवाल, सर ने एक प्रसंग रखा है या एक बिंदु प्रस्तुत किया है कि दलित साहित्य के प्रेरक डॉक्टर अंबेडकर रहे हैं और अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, ब्राह्मणवाद का पर्याय उन्होंने पाखंड को बताया है। तो तभी मुझे याद आती है लॉन्जाइनस की, जब दलित साहित्यकार पाखंड के विरोध की बात कर रहे हैं तो उसी समय एक पश्चिम के पुराने आलोचक हैं, लेकिन वो उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने अपने समय में थे। उन्होंने पाखंड के स्थान पर आडंबर शब्द का प्रयोग किया है और तीन प्रकार के आडंबर उन्होंने बताए। एक आडंबर होता है भाषा का आडंबर, एक दूसरा आडंबर है भावों का आडंबर और एक तीसरा आडंबर होता है बाल्यता, जिसे पांडित्य कहा जाता है। तो दलित साहित्य इन तीनों प्रकार के आडंबरों का प्रतिरोध करता है, भाषा के स्तर, भावना के, भाषा के स्तर पर, भावना के स्तर पर वो किसी प्रकार की कृत्रिमता प्रस्तुत करने का प्रस्तुत नहीं कर रहा है, जो चीज जैसी है उसे वैसे ही प्रस्तुत करने का दावा दलित साहित्य ने किया है। जहां तक बाल्यता का संबंध है तो बाल्यता का मतलब होगा पांडित्य, अपनी विद्यता दिखाना। दलित साहित्य का साहित्य के क्षेत्र में अपनी विद्यता दिखाने के लिए नहीं आया है, विद्यता दिखाने के लिए समाज शास्त्र के विषय काफी है। तो दलित साहित्यकार जो है वो न अपने साहित्य के माध्यम से पाठकों को सुलाना चाहता है और न ही इस प्रकार के साहित्य को प्लेटो के आदर्श राज में स्थान मिलेगा। ये साहित्य आपका विरेचन नहीं करता, दलित साहित्य जो जुल्म और अन्याय दलितों के ऊपर हुए है उन अन्यायों के खिलाफ एक आक्रोश पैदा करने का कार्य करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आपका ज़्यादा समय नहीं लेता और जयराम जी से अनुरोध करूँगा कि सर की जो कुछ कविताएं हैं उन्हें प्रस्तुत करें, जिससे संक्षेप में एक एक, एक दृष्टिकोण हमारा बन पाए सर की कविताओं के प्रति। तो जयराम पासवान जी। सभा में उपस्थित सभी गुरुजन एवं हमारे मित्र को मेरा प्रणाम। मैं करदम जी की कुछ पंक्तियों को यहाँ पर उद्धृत करना चाहता हूँ। उनका कविता संग्रह है तिनका तिनका आग। उनकी कुछ पंक्तियों को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि उनकी किस प्रकार की सोच है समाज के प्रति, दलितों के प्रति। एक उनकी कविता है, ठाकुर के खेत से सेठ की तिजोरी तक मेरा ही लहू बहता है, वही सबसे सस्ता है, दलित श्रम का अमूल्यन है यहाँ पर। वहीं पर दूसरी पंक्ति ये बताती है कि सूरज की गर्मी से नहीं झुलसता मेरा शरीर, उसे झुलसाता है यंत्रणाओं का सूरज। दलित उत्पीड़न की बात करते हैं इस पंक्तियों के माध्यम से। सावधान मेरे शब्दों, तुम्हारे चारों ओर गिद्धों का घेरा है जो तुम्हें नोचने के आतुर है। दलित कविता पर सवर्ण प्रतिक्रिया की झलक इसमें दिखाई पड़ती है। सदियों से वे हमसे गाली की भाषा में बोलते आ रहे हैं, यह उनकी संस्कृति है। ये ब्राह्मणवादी आप संस्कृति की बात करते हैं यहाँ पर। कितना विकट होता है भूत के गणित से जाति का व्याकरण। सर्वहारा और दलित का एक सतह पर आना इस कविता में पूरी तरह से साफ दिखती है। प्रेम की कविता का बेतुका बंद, मनुष्यता की कमीज पर जाति का पैबंद, यहाँ सिंगारिता कविता का निषेध करता है। गोधरा से झज्जर तक देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है, जातिवाद की भट्टी में भून रहा है, यहाँ पर सांप्रदायिकता के खिलाफ दलित चेतना दिखाई पड़ती है। मेरे दोस्त, मेरे लिए उस भाषा में मंगल कामना मत करो जो भाषा कभी मेरा नहीं रहा, जिसके लिए रहा है मैं सदैव अत्यंज अस्पष्ट। इस भाषा में उपनिवेशवाद की बातें इसमें दिखाई पड़ती है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से आप पूरी तरह देख सकते हैं कि करदम जी किस प्रकार की बात विचारधाराओं को रखना चाहते हैं। तो जैसा आपने देखा, करदम जी की कविताओं में न केवल दलित पक्ष को उठाया गया है अपितु एक सोच का व्यापक दायरा मिलता है, चाहे सांप्रदायिकता हो, चाहे सर्वहारा की बात हो, चाहे भाषा के उपनिवेश की बात हो, सभी पक्षों को उठाने का प्रयास किया गया है। लेकिन एक दृष्टिकोण दलित दृष्टिकोण है, अपने दलित दृष्टिकोण से समाज की विभिन्न समस्याओं को
हम किस प्रकार से समझ सकते हैं वो इन कविताओं में प्रस्तुत किया गया है। तो इसके बाद मैं हमारे मुख्य वक्ता करदम जी से अनुरोध करूंगा कि आज का जो उनका मुख्य व्याख्यान है उसे वो आरंभ करें। और उनको आमंत्रित करते हुए मुझे याद आ रही है राग दरबारी की। राग दरबारी में एक प्रसंग है जहां सरकारी अधिकारी है जो सरकारी योजनाओं को लेकर आते हैं। प्रसंग इस ढंग से है, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं गांव वाले। वो कहते हैं कि व्याख्यान का मजा तब है जब व्याख्यान देने वाला ये समझे कि मूर्ख है और व्याख्यान सुनने वाले भी ये जाने कि बेवकूफ है, और सुनने वाले अपनी सुविधा के अनुसार व्याख्यान की गोली का आस्वादन कर सके। कुछ व्यक्ति उनमें से है जो सुबह उठते ही व्याख्यान सुनते हैं, कुछ दोपहर के खाने के बाद का इंतजार करते हैं, और व्याख्यान का सर्वोत्तम समय उनके अनुसार होता है जब सोने का समय हुआ है। तो आशा है कि इस प्रकार के व्याख्यान जो हम सुनते आए हैं उस प्रकार का व्याख्यान सर का नहीं हो सकता। सर का जो व्याख्यान होगा निश्चित रूप से हमें जगाने वाला होगा, हमारी चेतना को प्रेरित करने वाला होगा, तो जगजोड़ने वाला होगा। मैडम के शब्दों में जगजोड़ने वाला होगा। तो जयप्रकाश करदम जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो अपना व्याख्यान यहाँ पर आरंभ करें। विषय क्या है? सर या पांडिचेरी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में डॉक्टर विजयलक्ष्मी जी, पदम प्रिया जी, केदार मीणा जी, जयशंकर जी और मेरे साथ में आए मेरे सहयोगी कांबले जी, रणवीर सिंह और आप सब प्यारे विद्यार्थी कहूँ या साथी कहूँ, सब हम सब लोग मित्र हैं। मैं जब आप लोगों की तरह संयोग ये रहा कि मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, जिस तरह से आप विश्वविद्यालय में क्लास में पढ़ रहे हैं ये अवसर नहीं मिला, तो कमी बराबर महसूस करता हूँ कि जब भी कोशिश होती है मैं विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में कहीं भी छात्रों के साथ तो उनके साथ संवाद करना, उनके साथ बात करना और यहाँ बैठने के बजाय वहाँ बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब जब मैं वहाँ बैठ कर के सुनता हूँ तो मुझे लगता है कम से कम मेरी वो कमी पूर्ति हो रही है कि मैं उस तरह से नहीं पढ़ पाया। मैंने जो कुछ पढ़ा, डिग्रियाँ मेरे पास हैं, इसमें दो राय नहीं है, मैं तीन विषयों में एमए हूँ, पीएचडी भी हूँ, और जिस राग दरबारी उपन्यास का जिक्र किया, राग दरबारी का समाजशास्त्रीय अध्ययन विषय पर ही मैंने पीएचडी भी किया। लेकिन एक जिस तरह से एक विद्यार्थी पढ़ता है उस तरह से मैंने स्वाध्याय से पढ़ा, और बस जो होता है एक सिलेबस है वो किसी तरह से वो छोटा मोटा पढ़ लो, परीक्षा दे लो, पास हो लो, उतना ही था, उससे ज़्यादा मेरा, इसलिए मुझसे आप बहुत ज़्यादा गंभीर व्याख्यान की उम्मीद ना करें। मेरा जो भी अध्ययन है या जो भी मेरा असली विश्वविद्यालय है वो समाज रहा, मेरा विद्यालय, मैंने जो कुछ सीखा समाज से सीखा, इसलिए मेरे पास वही साधारण भाषा हो, वही साधारण मेरे पास विषय हैं, वही प्रसंग हैं, वही सब साधारण तरीके से, मेरा कहने का तरीका भी वही साधारण है, मैं उसी तरीके से अपनी बात कह सकता हूँ। तो मैं कह रहा था कि अपने अब क्या कहूँ, मैं विद्यार्थी जीवन वैसे कैसे कहूँ कि मैं विद्यार्थी जीवन मेरा रहा, क्योंकि मैं विद्यार्थी रहा नहीं, मैं तो मजदूरी करता था, कभी 5 रुपये रोज, कभी बेलदारी की मजदूरी करता था, कभी एक फैक्ट्री में 180 रुपये उसमें एक स्टील फैक्ट्री में काम करता था, एक बार एक वकील के पास मुंशी भी रहा 200 रुपये महीने, मैंने तांगा भी चलाया कुछ दिन तक,
बहुत सारे काम, मतलब जो कुछ हो सकते थे अपने परिवार को आजीविका को चलाने के लिए, मैंने बहुत सारे काम किए, ट्यूशन भी पढ़ाया, बहुत सारे काम किए। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं विद्यार्थी रहा, मेरा विद्यार्थी काल कब विद्यार्थी रहा, कब मैं जवान हुआ, मुझे पता ही नहीं है। वो पूरी एक कैसे कैसे दिन बीता। लेकिन हाँ, एक उस उम्र में, आप लोगों की जो उम्र है उसी उम्र में जब मैं था, मैं अपने आप को विद्यार्थी कह सकता हूँ। तो उस समय एक किताब मैंने पढ़ी, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर की किताब थी, डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक चिंतन। उसकी भूमिका में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि उनको कहीं पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया, और उस व्याख्यान देने से पहले उनकी बड़ी प्रशंसा, उनका जो जो उनका परिचय दिया गया जिस तरह से, वो बड़ा उनको, तो उस प्रसंग में उन्होंने जिक्र किया जो उनके शब्द, शायद वही शब्द हैं, उन्होंने कहा कि यदि किसी साधारण व्यक्ति का अपमान करना हो तो भरी सभा में उसे विद्वान घोषित कर दीजिए। तो कुछ कुछ ऐसी स्थिति मैं अपनी समझता हूँ कि जिस तरह का ही परिचय दे देना कि भाई ये भी है, वो भी है, वो भी है, लेकिन सच में कुछ नहीं है अभी। तो उस तरह से कई बार अपनी इज्जत बचाना हम लोगों के लिए मुश्किल पड़ जाता है, कैसे अपनी इज्जत बचाएं, है ना। लेकिन इसलिए मैंने अपनी पृष्ठभूमि बता दी है, तो मुझे यकीन है कि यहाँ इज्जत का कोई खतरा इस तरह का मेरे लिए नहीं है, तो मैंने पृष्ठभूमि इसीलिए बताई। जहाँ तक रचना कर्म की बात है, ये एक संयोग है कि हमारे यहाँ आलोचक वर्ग ने मेरे उपन्यास को, छप्पर को, हिंदी का दलित साहित्य का या दलित चेतना का हिंदी में पहला उपन्यास उसको माना। हालांकि उससे पहले 1986 में मेरा उपन्यास करुणा आ चुका था, उसकी कोई खास चर्चा नहीं हुई, लेकिन छप्पर आया, उसके आधार पर चर्चा हुई, और चर्चा हुई तो मुझे मेरा भी छोटा सा परिचय हुआ। मैंने कहानियां भी लिखता हूँ, दो कहानी संग्रह आए, एक तो पिछले साल ही भी आया है खरोंच नाम से, उससे पहले तिनका आग आया था 2005, नहीं वो तलाश आया था। कविताओं में मेरे, इन्होंने अभी कहा कि दो कहानी कविता संग्रह का, गूंगा नहीं था मैं और तिनका आग, तिनका आग 2005 में आया था शायद। उसके बाद में मेरा एक कविता संग्रह और आया, बस्तियों से बाहर, और एक खंड काव्य मैंने राहुल नाम से है, जो गौतम बुद्ध का बेटा राहुल है, उसके ऊपर एक खंड काव्य मैंने ये, और बाकी जो आलोचनात्मक, समीक्षात्मक, जो भी कुछ मतलब होता है, तो जो मैं तो जैसा परिचय में बतला दिया कि मैं एक दफ्तर में बाबू आदमी हूँ, तो बाबू आदमी के पास कितना समय होता है, हम तो फाइलों में जूझते रहते हैं, वो फाइल नहीं हमारी कविताएं, फाइलों की जो टिप्पणियाँ होती हैं, वही गद्य, वही पद्य, हमारे लिए वही सब कुछ होता है। समय पढ़ने का और लिखने का हमारे पास होता ही नहीं जितना कि मैं अभी बात कर रहा था विजय लक्ष्मी जी से, कि अकादमिक लोगों के पास जो समय होता है कि आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, आप कम से कम उससे जुड़े हुए हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपके पास एक अवसर है, शोधार्थियों को आप गाइड कर रहे हैं उसके लिए एक अवसर है आपके पास, हमारे पास तो अवसर ही नहीं है। सुबह 8 बजे घर से निकलना है, रात को 8 बजे घर आना है, उसके बाद खाना खाना है परिवार में, और जिसका कहा कोई मधुर व्याख्यान फिर सुनना होता है हमको, है ना, वो कभी कभी सुबह सुबह भी हम मधुर व्याख्यान सुनते हैं, है ना, और रात को तो लगभग रोज सुनते हैं, है ना। तो उसके बाद वो रात को 10 बजे के बाद मैं बैठता हूँ अपनी मेज पर, और 2-3 घंटे का जो समय बस उतना ही मेरे पास होता है कि या तो उसमें मैं पढ़ूँ या तो उसमें कुछ लिखूँ, बहुत कम समय होता है। मतलब किसी तरह से ये मान के चलता हूँ मैं कि मेरे लिए साहित्य लेखन अपने आप को एक जिंदा रखने की कोशिश है, बस कि मैं साहित्य में अपने आप को जिंदा रख रहा हूँ, एक मनुष्य के रूप में अपने आप को मैं जिंदा रखे हुए हूँ, वरना वो फाइलें तो हमको बिल्कुल अमानवीय बना देती है, वो पूरा तंत्र एक इस तरह का होता है कि वहाँ पर एक शुष्कता है, नीरसता है, बार बार वही रूटीन की वही टिप्पणियाँ, वही भाषा, वही सब चीज़ें, वही मुद्दे, वही इशू, कुछ नया है ही नहीं। वहाँ सहजता की, मानवीयता की बहुत कम गुंजाइश है, संवेदनशीलता की बहुत कम गुंजाइश है वहाँ। तो उस जैसे वातावरण में रहकर के
बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं और उसी कोशिश में कुछ चीज़ों को देखने की, समझने की, पढ़ने की भी कोशिश, जिज्ञासाएँ बराबर रहती हैं। तो जैसा कहा, मेरे बारे में आपको परिचय भी मिल गया, और अब तो परिचय कुछ इस तरह का हो गया है कि मैं कुछ भी लिखूं, मेरा उद्देश्य कुछ भी हो लिखने का, लेकिन उसको जोड़ करके दलित परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाएगा। अब इस तरह का एक हो गया है, तो इसे मेरे लिए ये मैं इसे उपलब्धि भी मान सकता हूँ अपनी, और इसको मैं एक अपने लिए एक निराशाजनक स्थिति भी देख सकता हूँ कि एक सीमित कर दिया जाता है कई बार चीज़ों को। तो उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि आम तौर पर दलित साहित्यकारों को केवल दलित साहित्य पर आयोजित होने वाली संगोष्ठियों में ही बुलाया जाता है, चाहे तो उन्हें मुख्य वक्ता बुला लो, चाहे उन्हें अतिथि बुला लो, चाहे उनसे सभी का उद्घाटन करा लो, या उनसे बीज भाषण दिलवा दो। अन्य विषयों पर जो साहित्य गोष्ठियां होती हैं उनमें उनको बहुत कम बुलाया जाता है, और जब वो उस संगोष्ठियों में उन विषयों पर बोलने के लिए बुलाया जाता है तो उनका बड़ा महिमा मंडन होता है, बड़ा सम्मान होता है, उनकी बड़ी प्रशंसा होती है कि बहुत उत्कृष्ट कोटि के, बड़े उच्च कोटि के लेखक हैं, और बड़ा इतना इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है, और इन्होंने एक नई जमीन तोड़ी है, और इन्होंने एक जैसा कहा को एक झकझोर दिया है, और इस तरह का मतलब नई बहुत तरह की शब्दावलियाँ उसमें पढ़ दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरे विषयों पर बात होगी तब वो दूर दूर तक फिर वो कहीं दिखाई नहीं देगा, वहाँ उनको सीमित कर दिया जाएगा उसी एक बस्ती या जो भी मोहल्ला या जो भी कह लीजिए कॉलोनी, तो उनकी अलग कॉलोनी है। ये जो हमारे सोचने का एक तरीका है, और ये तरीका, ये सोचने की ये दृष्टि हमको उसी परिवेश में मिलती चली जाती है जब हम समाज में जैसे जैसे बचपन से बड़े होते रहते हैं, समाज के संपर्क में आते रहते हैं, हम चाहे विद्यालयों में जाते हैं, विश्वविद्यालयों में जाते हैं, समाज में जाते हैं, उस समाज हमको सिखाता रहता है। पहले परिवार सिखाता है, फिर समाज सिखाता है, वो समाज दिखाता है कि ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, ये समाज सिखाता है हमको कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये समाज सिखाता है कि ये स्त्री है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, साथ साथ खेलते हैं, कोई पता नहीं चलता, उन्हें पता ही नहीं होता मैं लड़का हूँ लड़की हूँ, सब साथ खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, लड़ रहे हैं, सब कुछ। जैसे जैसे थोड़े बड़े होते चले जाते हैं लड़कियों पे निषेध लागू होते चले जाते हैं, उनकी माएँ लगा रहे शुरू करती हैं, ये मत कर तू लड़की है, तो ये मत कर तू लड़की है, उसके साथ मत खेल, लड़कों के साथ मत खेल, तू यहाँ मत जा, तू वहाँ मत जा, तू ये मत कर, तो निषेध शुरू हो जाते हैं। तो सिमोन ने अपनी जो पुस्तक जो सेकेंड सेक्स में तो बड़ा अच्छा उसने लिखा सिमोन ने कि कोई भी स्त्री पैदा नहीं होती, उसे स्त्री बनाया जाता है, कि समाज उसे एहसास कराता है कि तू लड़की है, तू लड़की है, इसी तरह समाज एहसास कराता है तू दलित है, तू अनटचेबल है, तू ये है, तो ये समाज एहसास कराता है, समाज सिखाता है। और ये जो समाज में सिखाता है कि किससे दूरी रखना, किससे प्यार रखना, किसको कितना सम्मान देना, किसको नहीं देना, किसके साथ किस तरह का संबंध बनाना नहीं बनाना, तो ये जो एक मानस बनता चला जाता है, फिर यही अलग अलग जाकर के ये विकास होता चला जाता है, और फिर वही जब हम समाज में एक बड़े स्तर पर आ जाते हैं तो कुछ चीज़ों से हम उबर चुके होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे मानस में कहीं ना कहीं अवचेतना में वो रह रही होती हैं, और वो इस तरह से फिर वो हमारे साहित्य जब हम लिख रहे होते हैं, साहित्य पढ़ रहे होते हैं, तो वही चेतना वहाँ भी काम कर रही होती है। इसलिए साहित्य को हम भले ही हम मानते हैं और जानते भी हैं कि एक संवेदना का क्षेत्र है, कि साहित्यकार है तो वो एक संवेदनशील मनुष्य है, उसका हृदय है, उसके दिल में एक कहीं ना कहीं एक वो एक बड़ा एक करुणा उसके अंदर होती है, उसके अंदर एक मनुष्यता होती है, एक एक, 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 एक उसके अंदर एक बड़ी सहजता होती है जीवन को देखने के प्रति और समाज के प्रति, और तभी हम उम्मीद करते हैं कि वो लिखता है, क्योंकि साहित्य में साहित्य का भाव होता है, हित हित की बात भावना है, यानी कि हम की हित किसका करना चाहते हैं, यानी कि ऐसा सृजन जो हित कर हो वही साहित्य होता है। अब उसमें चाहे हमारी कलाएं हैं, चाहे हमारा क्रिएटिव राइटिंग है, चाहे हमारा कुछ भी है, ये सब साहित्य ही है। सिनेमा भी इस तरह से हम साहित्य का एक हिस्सा है, वो भी कोई अलग नहीं है।
तो अब हम हित किसका, ये हम जब पूरे साहित्य को पढ़ते हैं तो हित तो मनुष्य का होना चाहिए। हम यदि कल्याण करना चाहते हैं तो हम मनुष्य का कल्याण करना चाहते हैं, मानव समाज का कल्याण करना चाहते हैं। मानव समाज का कल्याण करना चाहते हैं तो हम कैसे कल्याण करना चाहते हैं? यानी कि कल्याण का मतलब एक साहित्यकार कोई किसी को अनाज के बोरे किसी घर में नहीं पहुंचा सकता, साहित्यकार किसी को नौकरी नहीं दे सकता, साहित्यकार किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, साहित्यकार किसी को मंत्री नहीं बना सकता, साहित्यकार कुछ भी नहीं कर सकता, उसके हाथ में कोई अधिकार नहीं है। वो केवल आपको संवेदनशील बना सकता है, केवल आपके अंदर कुछ चेतना का संचार कर सकता है, आपके अंदर एक विश्वास पैदा कर सकता है, आपके अंदर जो बैठी हुई जो एक संकुचन होता है उसको दूर कर सकता है, वो आपको प्रेरित कर सकता है, वो आपके के लिए एक मशाल का काम कर सकता है, जो राह दिखा सकता है, आपको चलना आपको है, चलना हम समाज को है। तो सवाल ये है कि हमारे अब तक के, मैं दूसरी भाषाओं के साहित्य की बात नहीं करूंगा, केवल हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूं, कि इतने सैकड़ों सालों के हिंदी साहित्य का जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं कि उस साहित्य ने कैसे समाज का निर्माण किया है, समाज को कौन सी दिशा दी है, समाज को कौन से मूल्य दिए हैं, कितना कल्याण समाज कर पाया। और जब हम उस साहित्य को पढ़ेंगे और गंभीरता से तटस्थ होकर सोचेंगे तो हमको पता लगेगा कि वो साहित्य जो है वो बिल्कुल एकांगी है, उसमें उस समाज के दबे कुचले उपेक्षित वर्गों को के लिए उनके कल्याण को, उनके विकास को, उनकी संवेदनाओं को, उनकी वेदनाओं को केंद्र में नहीं रखा गया है, उसका ध्यान ही नहीं उतर फोकस ही नहीं उतर है। और ये आप लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा, रामचंद्र शुक्ल जी का सबसे पहला आया हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसे हम लोग मानक की तरह से मानकर चलते हैं, और उस इतिहास को आप गौर से देखें तो शुक्ल जी ने वहाँ जो कवियों का, रचनाकारों का जो नाम दे रहे हैं उनकी जातियों के साथ दे रहे हैं, उल्लेख उनका कर रहे हैं कि ये उच्च कुलोत्पन्न है, ये वो है, ये उस ब्राह्मण, ये फलान। आखिर रचनाकार रचनाकार है, जाति की जरूरत क्या है पहचान बताने की? वही रामचंद्र शुक्ल एक जगह पर लिखते हैं कि चीथड़े लपेटे चने चाबेंगे चौखट पर, चाकरी करेंगे नहीं चौपट चमार की। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, सबके सामने है, बेशक वो बनारस के डोम राजा को लेकर लिखी गई वो कविताएं, वो पंक्तियां हैं, लेकिन वो कह रहे हैं एक ब्राह्मण व्यक्ति के लिए उन्होंने कहा है कि वो चाहे चीथड़े लपेट लेगा, कपड़े नहीं होंगे, है ना, वो चना चबा लेगा, भूखा रह लेगा, लेकिन किसी चमार की नौकरी नहीं करेगा। ये एक साहित्यकार सिखा रहा है, ये साहित्य कौन सी दृष्टि दे रहा है, कैसे हम समाज को मानवीय बना रहे हैं, कैसे हम समाज का हित कर रहे हैं। तो क्या हम उन विषमतावादी मूल्यों को आगे बढ़ाकर हम समाज का कल्याण कर सकते हैं? क्या उन विषमतावादी मूल्यों को हम उनके आधार पर साहित्य की रचना करके क्या हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं? क्या उन मूल्यों के आधार पर हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक मानवीय गरिमा का एहसास करा सकते हैं? नहीं करा सकते। प्रेमचंद कम से कम इस बात के पक्षधर थे कि साहित्यकार वंचितों की, उपेक्षितों की पक्षधरता में खड़ा होता है। एक सच्चा साहित्यकार वो होता है कि जो वंचितों की, उपेक्षितों की के प्रति पक्षधर होता है, यानी कि उनके हितों के लिए वो लड़ता है, उनके साथ यदि कोई अन्याय है उस अन्याय का वो प्रतिकार करता है और उनको न्याय दिलाने के लिए वो कोशिश करता है।
और इसीलिए कहा जाता है कि साहित्यकार जो होता है वो अपने समाज की आंख नाक और कान भी होता है, वो सब कुछ देखता है, जो समाज में देखता है, जो समाज में सुनता है, जो महसूस करता है, वही सब चीज़ों को वो अपने ढंग से चाहे उनकी व्याख्या करता है, चाहे उनको जो कहते हो रखता है, वो समाज में वही लाता है। तो इतने सैकड़ों सालों के हिंदी साहित्य की इस परंपरा में जितने भी हम जो बड़ा थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं तो अपने आप को बड़ा संकीर्ण मानता हूँ कि मेरा अध्ययन बहुत कम है, मैंने पहले बताया मेरी तो अपनी सीमाएं हैं, आपकी सीमाएं मुझसे बड़ी हैं, थोड़ा आप देखिएगा कि यहाँ सारा का सारा जो हिंदी जिसमें जो हमारी कालजयी श्रेष्ठ या कालजयी जो क्लासिक रचनाएं जिन्हें हम कहते हैं साहित्य की, और जो मानक जो हमारा है उनमें जो हमारे तो महाकाव्य आते हैं जाते हैं, वो सारा का अब जो गद्य में भी आ रहा है, जो उपन्यास में भी आ रहा है, नाटक आ रहे हैं, उन सभी में आप देखिए कि उनमें सारा प्रकृति, प्रेम और युद्ध, ये केवल तीन विषय हैं केंद्रित, और इसके अलावा यदि कोई चीज है तो राम और कृष्ण के चरित्र या उनकी गौरव गाथाएं या तो फिर वैदिक पुराणिक आख्यान, पूरा का पूरा साहित्य इन पर केंद्रित है, और इसीलिए इन विषयों पर, इन मूल्यों पर जो आधारित साहित्य हैं, जो कृतियां हैं, वही कृतियां श्रेष्ठ साहित्य कृतियां हिंदी साहित्य में मानी जाती हैं। कोई सी भी कृति को आप उठा लीजिए, सब में या तो वैदिक पुराणिक आख्यानों पर आधारित होंगी, राम और कृष्ण के चरित्र होंगे, उन आधार पर अलग अलग तरह से लोगों ने देखा है, या तो प्रकृति, प्रेम और युद्ध है, और इस युद्ध में, प्रकृति में और प्रेम में, इन सब के पीछे सेक्स है, क्योंकि साहित्य के जो परिभाषा जो उसकी आई है उसमें ये भी क्या, उसमें के साहित्य आनंद के लिए लिखा जाता है, और आनंद जो व्यक्ति देखता है तो उस आनंद में सेक्स आनंद का एक पहला और बड़ा महत्वपूर्ण आधार होता है। इसलिए जो रासो परंपरा के जितने महाकाव्य हैं उनको आप देखें तो वो सब युद्ध हैं। अब हमारे यहाँ साहित्य में पढ़ाए नहीं जाते आला, वो लोग साहित्य की रचना कह के उन्हें हम कई तरफ रखते हैं, वो उसमें युद्ध है, रासो परंपराओं में ही है, और युद्ध क्या है, एक राजा दूसरे राजा से युद्ध किस लिए कर रहा है, वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, या तो किसी राज्य की, जो हम किससे कहानी पढ़ते हैं सुने सारा कुछ, कि उस राज्य की बड़ी कोई लड़की राजकुमारी या कोई ये बहुत सुंदर है उसको पाने के लिए वहां आक्रमण किया जाता है। आज भी हमारे यहाँ जब शादी होती है तो दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के जाता है, और जब वहाँ जिस लड़की के गांव में उसके बाहर जा करके वहाँ पहले वो बम पटाखा जो भी कुछ है वो छोड़ा जाता है ना, और उसके बाद में फिर वहाँ जाते हैं, और जब लड़की चलती है वहाँ से तो चलते समय वो रोती है, ये हमारे यहाँ है, थोड़ा सा टूटने लगा है जो आजकल तो लोग आजकल वो लव मैरिज होने लगी हैं तो वहाँ लड़की मैच्योर फिर इसमें होने लगी हैं तो लड़कियाँ कम रोती हैं, लेकिन एक परंपरा में अपने समाज की बता रहा हूं, यह परंपरा वही है कि पहले वो एक दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे, घोड़ों पर चढ़कर आते थे, वहां राज्य के पहले जाकर के वो सूचना देते थे हमने तुम पर आक्रमण कर दिया, या तो सरेंडर कर जाओ नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर युद्ध करने वाले हैं, ये उस बात की सूचना होती थी कि हम आ गए हैं, या तो सरेंडर कर दो, हमारी मांगे मान लो, हमारे साथ संधि कर लो, और यदि नहीं कर रहे हैं तो आक्रमण झेलने के लिए तैयार हो जाओ, और उस सूचना के बाद में होता क्या है कि जब गांव के मुहाने पे बारात पहुंच जाती है और जैसे ही वो एक पटाखा या बम छोड़ दिया जाता है तो वहां के कुछ चार पांच पंच लोग आते हैं, उनका स्वागत करते हैं बारात का, तब बारात को ले जाते हैं, संधि कर लिया, हमने आपकी बात मान ली, अब आप चलिए, आप जो लेने आए हैं हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो वहां नहीं दिया जाता था तो तब आक्रमण होता था, और फिर वहां से आक्रमण में उनका कन्या या धन या जो भी कुछ है वो सब उनसे जीत लिया जाता था, ये उसका केंद्र है। तो इस पूरे के पूरे हम जब परंपरा में देखते हैं उसमें दलित कहां है, स्त्री कहां है, कहीं नहीं है, स्त्री को कोई किराए नरक का द्वार है, कोई स्त्री को लेकर के अलग अलग तरह की व्याख्याएं कर रहे हैं,
तो स्त्री तो वही जो घर के चार दीवारी के अंदर एक या तो एक लिविंग रूम का शोपीस जो होता है एक वो है, या तो वो हमारी सेवा करने वाली है। आज भी क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं तो गांव के समाज को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जब लड़के के लिए कोई दुल्हन ढूंढी जाती है तो पहले तो होता है कि वो सुंदर देखी जाती है, सुंदर होनी चाहिए। तो जो जिन परिवारों में जैसे महानगरों में या एक संभ्रांत परिवारों में तो उसकी सुंदरता और उसकी शिक्षा, ये दो चीज, सुंदर हो और शिक्षित हो, ये दो चीजें। गांव में देखा जाता सुंदर हो लेकिन उसके साथ साथ स्वस्थ हो, वो शरीर से मजबूत होनी चाहिए। ये जो हमारे यहाँ, ये बता रहा हूं कि जो हमारे साहित्य में जो एक सौंदर्य के जो पैमाने हैं, सौंदर्य की जो दृष्टि है, जो सौंदर्य शास्त्र हमारा विकसित हुआ है, ये उसकी ओर मैं संकेत कर रहा हूं कि जिसके आधार पर हम रचनाओं को कहते हैं कि ये श्रेष्ठ रचना है और जिसे कहते हैं कि ये खारिज करते हैं कि ये श्रेष्ठ रचना नहीं है, वो हमारे पास एक पैमा नहीं है। हमने सौंदर्य शास्त्र का एक खाका खड़ा किया हुआ है कि उन मानकों पे कि उसमें ये वो जो रस सिद्धांत है उसके ऊपर जो आपका जो अलंकरण है, जो अलंकार है ना, जो और चीज़ें हैं, जो उसकी भाषा है, उसकी शैली है, उसका सौष्ठव है, उसमें ये सब चीज़ें हैं, तो हमने वो सब खाका खड़ा किया कि उसके आधार पर वो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, कि उसकी भाषा इस तरह की हो। लेकिन सौंदर्य की भी केवल एक ही दृष्टि नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि यदि एक संभ्रांत परिवार है उसकी सौंदर्य को लेकर एक अलग दृष्टि है, गांव की एक साधारण लोग मजदूर कर रहे एक श्रमिक वर्ग की, उनकी एक अलग दृष्टि है, अलग संस्कृति है। जब ऐश्वर्य राय मिस वर्ल्ड बनी उस दिन मैं अपने गांव में गया हुआ था, और आमतौर पे ये होता था कि मैं जैसे गांव गया तो बाहर अपना गाड़ी खड़ी की तो मैं अंदर जाता, अपनी माँ से मिलता, चाची से मिलता, है ना, होता है सबसे परिवार में सब लोगों से मिलकर के। वो संयोग से मैं गया तो बाहर बैठक में वो टीवी चल रहा है, वहाँ उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था वो ऐश्वर्य राय का। मैं भी जाके बैठ के लगा तो मेरी बहनें, चाचा की बेटियाँ और आस पड़ोस की भी कई, उनमें एक तो जो हमारे मोहल्ले की भाभियाँ वगैरह होती हैं, मेरी माँ भी वहाँ बैठी थी, तो माँ से मिल लिया, उन सबको देख करके मैं भी देखने लगा। अंदर मेरी चाची को पता लग गया कि मैं आया हूँ, तो उन्हें अजीब लगा कि मैं मिला नहीं हूँ, तो वो आटे में हाथ सने हुए बना रही थी खाना, तो आई वहाँ से उठते हुए, हैं कितनी देर हो गई आए हुए कि मिला भी नहीं, जैसे होता है प्यार में। अरे हमने कहा आओ मिलेंगे बाद में, तुम भी देखो, हमने की तो बोली क्या देखना है, हमने कहा आओ देखो तो सही, तुम भी आ जाओ, रोटी बन जाएगी बाद में, कोई कह रही मेरी रोटी जल जाएगी, हमने कहा जलने दे एक रोटी, कोई बात नहीं है, हम जली हुई रोटी खा लेंगे, तुम देखो। तो जब वो देखकर बोली क्या आ रहा है, हमने कहा ये देखो, ये दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री चुनी गई है, अरे हमारे देश की है, इसे देखो। पहले तो दिखाई नहीं दिया, जो क्लोजअप में आई नजदीक तो उसने उसको देखा, हमने कहा देखो ध्यान से, ये है, इसका नाम ऐश्वर्य राय है, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री, मिस वर्ल्ड तो क्या समझेगी वो, हमने कहा दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री चुनी गई है, हमारे घर उसकी है। और उसने बहुत ध्यान से देखा, दो तीन बार जब क्लोजअप में आई और देखने के बाद में वो फिर हमसे बोली क्या है इसमें, तो उसने कहा क्या है इसमें, तो हमने कहा ध्यान से देखो कितने सुंदर है ये, पूरी दुनिया में इतनी सारी लड़कियों में चुनी गई है, मैं देखो इतने इतने अलग अलग देशों की है और अपने अपने देशों की सबसे सुंदर स्त्री चुनकर आई है, उनके बीच में से ये चुनकर आई है, इसको देखो। उसने फिर देखा और बोली कहते रहे क्या है इसमें, तुम बड़ा चौंका हमने, तो वो बोली इसमें एक हेल उपले तो चलेंगे ना, जो काऊ डंग से, जो गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं और जो ईंधन जो रोटी बनाती है गाँव में चूल्हे में लगा करके, उसमें 5 या 10 किलो वजन होता है, उसमें बास्केट बड़ी सी जो टोकरा बोलते हैं उसको हम लोग, है ना, उसका क्या है लकड़ी का बना हुआ, तो उसके अंदर वो औरतें अपना भरती हैं सुखाने के बाद, उसको 5 किलो 4 किलो 5 किलो हद हुआ 10 किलो वजन,
तो वो कह रहे इस पर एक हेल उपला नहीं, कितना वजन तो इस पर चलेगा नहीं, किस काम की है ये। तो ये अलग अलग उपयोगिता उसकी है। तो वो जो रोल मॉडल हो सकती है एक ब्यूटी का, एक अलग एक मानक हो सकती है एक अलग समाज के लिए, लेकिन उस श्रमिक समाज के लिए, गांव के समाज के लिए वो मानक नहीं है, वो सुंदरता का वो पैमाना नहीं है, वो खारिज हो जाता है। इसीलिए गांव में जब लड़की देखने जाते हैं दुल्हन, तो सुंदर के साथ साथ देखा जाता है स्वस्थ कितनी है, क्या हमारे खेत क्यार के काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये देखना जरूरी होता है। इसलिए कई बार ये लोग बड़ा गर्व से बताते हैं, मुझे देखते हैं लड़की देखी आए कैसी है, आके पूछा जाता है, अरे बड़ी मजबूत है, जहाँ पैर हाथ वो एडी मार देगी वहीं से पानी निकाल देगी, इस तरह का बताया जाता है, जहाँ एडी मार देगी यानी कितने मजबूत है कि सारे काम कर लेगी, घर के खेती के पशुओं को चारा डालना है, ये करना है, घर का काम करना, सब काम कर लेगी। तो ये जो मूल्यों को देखने की जो एक दृष्टि साहित्य में ये काम करती है, तो अब तक जो साहित्य की हमारी परंपरा रही वो इन्हीं मूल्यों के आधार पर, ये जो पैमाने रहे हैं, क्यों इन्हीं दृष्टियों से चीजों को देखती रही, क्योंकि युद्ध हुए हैं स्त्री को लेकर, और स्त्री कौन आकृष्ट करती है, जो देखने में सुंदर हो, चारू हो, इसलिए चारू कहा जाता है ना। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक बार मुद्रा राक्षस ने बहुत अच्छा एक तद्भव में लिखा था सौंदर्य दृष्टि पर, और उन्होंने ये उस लेख में लिखा था हमारे यहाँ हिंदी में सौंदर्य शास्त्र जैसी तो कोई चीज नहीं है, जो कुछ है वो सौंदर्य बोध है, और उसमें उन्होंने उसको लेकर के कई नाम सौंदर्य को, एक स्त्री के अलग अलग नाम जैसे रमणी, चारु है ना, और कई तरह के उन्होंने दिए उन अलग अलग तरह के, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं जब हम इस तरह के सौंदर्य की बात करते हैं तो उस सौंदर्य में जैसे हम चाहे तो हम इसका जो रीतिकालीन जितना भी आपका साहित्य है उसमें रीतिकालीन इसके अलावा कुछ है ही नहीं, जिस पर हम बड़े गर्व के साथ अपने रीतिकालीन गर्व करते हैं और साहित्य को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उसमें नख सिख से लेकर के हर चीज़ों का, उसमें पूरा शरीर उसका है ना, सब चीज़ का वर्णन है उसमें, और बड़ा खुला खुला है, बहुत नग्नता के साथ है, और कई जगह बहुत नग्नता भी विभत्स तरीके से है, जिस पर हमको पढ़ते हुए या उस पर बोलते हुए भी शर्म आती है कई बार, हम क्या ये हमारी उस संस्कृति में ये कहीं रचनाएं ठहर सकती हैं, हम एक सिनेमा में कई नग्न सीन देख करके हम उसकी आलोचना करते हैं कि ये क्या ये अपसंस्कृति हो रहा है और ये अश्लीलता फैल रही है और सारा कुछ हो रहा है, और हम तोड़फोड़ मचाते हैं, जाकर सिनेमा घरों में आग लगाते हैं, उसके स्क्रीन फाड़ते हैं, उसका ये करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा विभत्स नग्नता हमारे रीतिकालीन साहित्य में भरी पड़ी है, उसको हम गर्व के साथ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं उसमें। तो ये जो दृष्टि है सुंदरी की, इसको बदलने की कोशिश दलित साहित्य ने की है कि चीजें सिर्फ ऐसी नहीं है जैसी दिखती है, यानी कि जो चीज आपको सुंदर लग रही है वही चीज मुझे भी सुंदर लगे जरूरी नहीं है, हमारे पास अपनी अपनी दृष्टि है, अलग अलग एंगल पर हम लोग बैठे हुए हैं, जैसे जैन दर्शन में शादवाद होता है ना, तो उसमें कहते हैं कि एक हाथी है, चार अंधों ने उसको, किसी ने है उसने हाथी का उसका पैर पकड़ माया किसी के में, तो उसने कहा हाथी कैसा होता है, पिलर जैसा होता है, स्तंभ जैसा होता है, किसी ने कहा हाथी उसका उसके कान आगे तो कैसा होता है, सूप जैसा होता है, यानी सब अपने अपने दृष्टि से करें, हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है, सब अनुमान लगा रही है कि जो जैसा उसको अनुभव कर पा रहा है, तो सबकी अनुभूतियां एक नहीं होती। तो जो हिंदी साहित्य जिन लोगों ने लिखा रचा उनकी जो अनुभूतियां हैं वो पूरे समाज की अनुभूतियां नहीं है, उस अनुभूतियों में हम जब देखते हैं कि इन पूरे महाकाव्यों में पूरे उपन्यासों में उसमें दलित और स्त्री का पक्ष शेष गायब है,
स्त्री भी है तो केवल सेक्स सिंबल के रूप में है बस, इसके अलावा उसकी मानवीय है, उसकी एक कोई एक मूल्य है, उसकी अपनी आशाएं हैं, उसकी अपने आकांक्षाएं हैं, उसकी अपनी जिजीविषा हैं, ये दलितों का है, उनका अपना जीवन है, वो कैसा जीना चाहते हैं, कैसा दिखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसा खुद को महसूस करते हैं, वो उनकी अपनी अनुभूतियां नहीं है उस साहित्य में, वो जो है वो आरोपित है। और आरोपित चूंकि समाज सिखाता है, जैसा मैंने कहा बचपन से ही जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये समाज सिखाता रहता है, और ये समाज सिखाता है कि इसमें जो जातियों का जो वर्गीकरण है कि जो जातियों के इस वर्गीकरण में शिखर पर बैठा है कि वो सबसे ज्ञानी है, और वो जो कह रहा है उसकी बात मानो, उसकी बात हमें माननी है, और बाकी जो नीचे के धातल पे लोग हैं जो बेचारे अशिक्षित हैं जिनको पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, आज़ादी से पहले तक तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते थे, और उसके बाद आए हैं तो अब थोड़ा सा वो शिक्षित उनकी पे एक दो पीढ़ियाँ शिक्षित होने लगी हैं जिसमें मैं भी एक हूँ, तो उसको तो बिल्कुल निरा अज्ञानी मान करके तुम्हें कुछ नहीं आता, और वही वो अज्ञानी आदमी को तो कोल्हू का बैल समझो, उसे चाहे जैसे हाँक लो, उसे चाहे शास्त्रों का हवाला दे करके शास्त्रों में ये लिखा है, अब वो क्या जाने बेचारा शास्त्र क्या चीज़ होता है, उसे जो चाहे उसे हाँ भरवा लो, कोई भी बात वो कुछ कहे कुछ नया करने की सोचे तुरंत शास्त्रों का हवाला दे दो, धर्म का डर दिखा दो, बहुत डरपोक होता है। आस्था भक्ति ऐसी चीजें ये मतलब एक तरह के विष हैं ये, जो दलित समाज को दे दिए गए और उस पर ये उनको बड़ा महिमा मंडित कर करके उनको भक्ति की चाशनी में विष की गोली दी जाती है, कैसे जहर दिया जाता है उसका बढ़िया उदाहरण दुनिया में कहीं देखना हो तो हमारा हिंदी साहित्य देख लिया जाए, कि उसमें कबीर को पढ़ाएंगे रविदास को पढ़ाएंगे तो उनकी वो एक भक्ति की रचनाएं जहाँ वो भक्त हैं कहीं राम को लेकर के कहीं माया की बात करके कभी कहीं कुछ बात करके, और वो सारा उनको कि बस तुम इसमें आनंद लो भक्ति में आनंद लो और तुम्हारा इसमें तुम्हारा जन्म तर जाएगा, तुम भव सागर को पार हो जाओगे और तुम्हारा ये हो जाएगा पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, बस तुम भक्ति करो भगवान के पास जाओ उसकी आराधना करो, और उनका शोषण करने के लिए उस भक्ति का आवरण में वो निष्काम कर्म योग जैसे सिद्धांत दार्शनिक गढ़ दिए गए हैं कि तुम केवल अपना निष्काम भाव से यानी कामना मत करो, केवल अपना कर्म करो, फल क्या मिलेगा उसकी कामना ही मत करो, सोचो मत उस पर, जो फल मिले उसे स्वीकार कर लो। यानी कि कोई जमींदार कोई साहूकार तुम्हारा शोषण कर रहा है शोषित होते जाओ, फल की कामना मत करो कि इतनी मजदूरी मैं ठोक के दूंगा, देखो जी मैं आप घर खेत में काम तो करूंगा लेकिन मुझे इतनी मजदूरी चाहिए, नहीं पर तुम अपना केवल ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, जो इमैनुअल कांट ने कहा, केवल कर्त अपना उसने कहा कर्तव्य के लिए कर्तव्य, लेकिन यहाँ कर एक निष्काम भाव से कर्तव्य। कांट ने कम से कम इतना तो ठहर गया, उसमें एक मॉरलिटी तो है कांट के पास में नैतिकता कि ड्यूटी फॉर ड्यूटी, जो आप है उसे भी ड्यूटी समझ के कीजिए ड्यूटी फॉर ड्यूटी से। लेकिन ये जो हमारा गीता में जो ये जो अपना ये जो सिद्धांत है निष्काम वाला, ये तो कहता है तुम निष्काम भाव से काम करो, और ये भक्तों के लिए है, ये भक्तों के लिए सीख है, और भक्त कौन है ये सीख, तो ये जो मूल्य है ये दलित साहित्य ने इन चीजों को समझा साहित्यकारों ने कि ये चीजें हमको कहां लेके जा रही है। कबीर या रविदास जहां समाज की विसंगतियों पर प्रहार कर रहे हैं, जहां वो वर्ण व्यवस्था और जातिवाद को बिल्कुल नकार रहे हैं, वहां वे पद वे रचनाएं पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाई जा रही है, बहुत कम, लेकिन पाठ्यक्रम में कक्षा 6 से लेकर के MA तक और उसके बाद में जो शोध हो रहे हैं वो उन भक्ति वाली रचनाओं पर हो रही है, वो भक्ति पढ़ाई जा रही है। आस्था और भक्ति हमेशा विचार की हत्या करती है, विचार को पनपने से रोकती है, इसीलिए जो भक्त होते हैं ना वो भजन गाए रहते हैं राम राम जय श्री राम जो भी कुछ है अपने अपने अलग तरह के, बस वो गाते रहते हैं मस्त रहते हैं, नए विचार के लिए गुंजाइश नहीं, वो सारी खिड़कियां बंद हो जाती हैं, बस जो है ये है इसी में आप रहिए और जो कुछ आपको मिला इसी में आनंद लीजिए, दूसरा कहाँ जा रहा है, कोई मंगल ग्रह पर जा रहा है, कोई
कोई चंद्रमा पर जा रहा है, चाहे कोई कोठी बना रहा है, कोई नई कार आ रहा है, कोई अपने इतने सारे सामान इकट्ठा कर रहा है, वो आपका सब कुछ कर रहा, आपका शोषण कर रहा, उसको छीड़िए, वो तो सब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या हमारे यहाँ कह दिया गया है ना, ये तो मिथ्या है, ये सब चीजें भूलिए, इन सब चीजों को, ये कोई शोषण वोषण नहीं है, ये सब जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, उसमें ध्यान लगाइए। ये हमारे यहां ये जो साहित्य की दृष्टि है, ये सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि का विकास भी यही है, जो मूल हमारे यहां है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है ना? और उसमें ये जो